हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हैप्पी। सो हियर इन दिस वीडियो आई विल शो यू सम बेसिक एक्टिविटी बुक्स व्हिच इज़ गुड फॉर 2 to 4 ईयर ओल्ड किड्स। ऑब्वियसली पेंडेमिक में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लास्ट ईयर स्कूल जाना था, नहीं जा पाए, दिस ईयर स्कूल जाना था, नहीं जा पाए, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्कूल में बच्चे जब बच्चों के साथ में बैठते हैं, सीखते हैं, तो मतलब उनको अच्छा लगता है पढ़ना लिखना और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। बट अभी डिफ़िकल्ट है बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। तो ये कुछ बेसिक बुक्स हैं। देखिए, फर्स्ट है ना, आप कभी भी स्टार्ट करो, अगर आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रहे हो बुक्स से, एक्टिविटी से, तो आप कोशिश करो कि कलर से उनको इंट्रोड्यूस कराओ सबसे पहले, क्योंकि कलर करना, ड्राइंग करना एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चे इंजॉय करते हैं। तो ये देखिए, ये एक बेसिक सी बुक है, ये सब शेप्स में है, सब शेप्स दिए हैं, शेप्स को कलर करना है, तो ये सब बच्चों को करना काफ़ी अच्छा लगता है। लेट देम इन्जॉय, गिव देम, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत प्रॉपर कलर करने चाहिए, नहीं, उनको जैसे भी करना है लेट देम डू दैट। और ये जो बुक्स है ना, ये जो बेसिक है, अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल के एज में फॉल करता है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी है। और अगर बच्चा यू नो 3 से 4 साल के बीच में है तो इस तरह की आप कलरिंग बुक ले सकते हो। ये देखिए, ये ऐसी बुक है, कलरिंग बुक, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ऐसे नए नए कैरेक्टर्स को देखना, उनको कलर करना, उनको एक एक अलग सा लुक देना उनको, तो ये भी एक कलरिंग बुक है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये मैंने गूगल से कुछ प्रिंट आउट लिए हैं, आपको हर एज के बच्चे के लिए ऐसी वर्कशीट मिल जाएगी गूगल पे। तो ये देखिए, ये मैच करने, ऑब्जेक्ट मैच करना है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मैच करने वाले ऐसे अलग अलग तरीके के प्रिंट आउट आते हैं। आपके बच्चे जो एज में हैं वो एज के हिसाब से आप प्रिंट आउट ले सकते हो। तो ये देखिए, ये ऐसे एक्टिविटी के वर्कशीट आते हैं जो आप अपने बच्चों को घर बैठे बैठे करा सकते हैं। उसके बाद ये नंबर बुक है, ये ऐसे, ये देखिए, ये बोर्ड बुक है, 20 तक नंबर्स, ये बोर्ड बुक है। मेरी बेटी है भी 3 साल की, भी वो 4 साल की हो जाएगी, तो मैंने जब उसके लिए स्टार्ट किया था तो मैंने यही दोनों बुक से उसके लिए स्टार्ट किया था। तो ये बुक कैसे ना, अगर बच्चे 2 साल के हैं, 2.5 साल के हैं, तो वो बुक फाड़ेंगे भी नहीं और ये बुक जल्दी फटती भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसे कार्डबोर्ड की बनी हुई बुक्स रहती है। फिर ये ABCD की बुक है, ऐसी बहुत तरीके की बुक्स मिलती है मार्केट में, अलग अलग तरीके के, जिसमें व्हीकल्स रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं, एंड बर्ड्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। बट अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल के एज में है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनको बेसिक बुक से पहले इंट्रोड्यूस कराइए। तो ये सब जो बुक्स हैं ना, वो आप स्टार्टिंग में अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हो। दीज आर द बेस्ट बुक्स, और सबका अपना अपना तरीका रहता है कि आपके बच्चे कौन सी बुक पढ़ना पसंद करते हैं। ये एक डॉट टू डॉट एंड कलरिंग विद स्टोरी, ये ऐसे एक स्टोरी भी है, देन ये डॉट को मैच करके उनको एक पिक्चर बनाना है, देन इसको कलर करना है, ये 3-in-1 एक्टिविटी हो जाती है। स्टोरी भी है, देन कलर भी करना है, देन डॉट्स को मैच भी करना है, तो इस तरीके से। बट ऑब्वियस अगर 2 से 4 साल का बच्चा है तो ऑब्वियसली स्टोरी तो रीड नहीं कर सकता, बट यू कैन रीड इट फॉर देम, यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग हियर, सो यू नो दे, उनका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, दे विल शो सम इंटरेस्ट इन दिस। तो व्हाइल दे आर कलरिंग यू कैन रीड द स्टोरी एंड यू कैन टेल देम कि व्हाट्स हैपनिंग इन दिस पिक्चर। सो यू नो, एक अच्छी एक्टिविटी और एक टाइम इंगेजिंग ये एक्टिविटी हो जाती है। फिर इस तरह की भी कुछ स्टोरी आती है, एक ही स्टोरी रहती है एक बुक में, तो ये भी आप उनके लिए पढ़ सकते हो। ऑब्वियसली बच्चे तो छोटे रहते हैं तो पढ़ नहीं सकते। ये देखिए, ऐसे ये बड़े बड़े पिक्चर्स जो रहते हैं ना, बच्चों को देख के, इनफैक्ट वो पढ़ नहीं सकते बट उनको देख के समझ में आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो खुद बताते, मेरी आयत खुद बताती है कि मम्मा ये देखो, ये हो रहा है, ये छोटी फिश है, ये बड़ी फिश है, यहाँ पे जा रही है, ऐसा वो खुद बताती है। तो अगर जहाँ पे वो गलत होती है तो मैं उसको समझाती हूँ, नहीं यहाँ पे ये हो रहा है,
देन मैं इसके लिए स्टोरी पढ़ के बताती हूँ। तो ये सब इस तरीके की बुक है। उसके बाद ये मैंने एक अमेज़ॉन से बुक मंगाई थी जब मेरी आयत 3 साल की हुई थी। ये नर्सरी राइम्स की बुक है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी राइम्स है जो है, देखिए बाबा ब्लैक शिप, मतलब जो एकदम कॉमन राइम्स है ना, ये देखिए आयत ने फाड़ दिया था, ट्विंकल ट्विंकल, जैक एंड जिल, जो एकदम कॉमन राइम्स है जो बच्चों को बेसिकली नर्सरी में, प्ले ग्रुप में, स्कूल में सिखाते हैं, तो वो सब राइम्स इसमें दिया हुआ है। ये देखिए रिंगा रिंगा रोजेस, और ये इतनी कलरफुल है ना, इतना मतलब अट्रैक्टिव है कि बच्चे देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके की कोई भी बुक आप ले सकते हो, पोएम की बुक। ओके, तो ये कुछ बेसिक बुक्स हैं 2 से 4 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद आप बेस्ट थिंग जो है ना, वो इस तरीके की बोर्ड बुक आती है, स्टोरी बुक। आपके अगर बॉय है तो मोस्टली एवेंजर्स में इंटरेस्ट लेते हैं। ये छोटी छोटी स्टोरी है, पेपा'स फैमिली, पेपा एट प्ले ग्रुप, देन पेपा फेवरेट थिंग्स, पेपा'स फेवरेट थिंग्स, देन पेपा'स फ्रेंड्स, पेपा एट होम, पेपा'स गार्डन, ऐसी स्टोरी बुक आती है अलग अलग तरीके की, हर कैरेक्टर की आती है। तो आपका बच्चा जो कैरेक्टर में इंटरेस्ट दिखाता है, आप ऐसा लेके उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हो। अब मैं आपको सबसे बेस्ट चीज़ दिखाऊंगी जो आप एकदम स्टार्टिंग में अपने बच्चों को दे सकते हो। ये इस तरीके के फ्लैश कार्ड होते हैं, ये देखिए ये ऐसे फ्लैश कार्ड है। इसमें आपको सब कुछ मिलता है, इनफैक्ट नंबर्स रहते हैं, ABCD रहती है, फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल वगैरह सब रहता है, शेप्स रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं, हर तरीके का। और ये मतलब ऐसे ये फ्लैश कार्ड आपको अलग अलग तरीके के भी मिलते हैं, तो आपको जो चाहिए वो फ्लैश कार्ड के लिए आप जा सकते हो, यूज़ करा सकते हो। अभी क्या पेंडेमिक चल रहा है, तो बच्चे घर में, बहुत बच्चों का एडमिशन जो होना था लास्ट ईयर एंड ये ईयर में वो नहीं हो पाया है, तो आप ये सब एक्टिविटी बुक्स जो है, ये सारी ही बेसिक बुक है, आपको मार्केट में भी मिल जाएंगी, और ये सब बुक्स से आप अपने बच्चों को घर बैठे बैठे पढ़ा सकते हो। अगर आप कोई भी एक्टिविटी की बुक के लिए ना जाना चाहो तो भी आप बेसिकली अपने बच्चों को क्रेयॉन्स दे दो और कोई भी कलरिंग बुक दे दो, अफोर्डेबल कलरिंग बुक लेके दे दो, बच्चा कलर करे या फिर बुक गंदी करे, कुछ भी करे, एटलीस्ट वो कुछ तो करेंगे बुक्स लेके, तो उनकी उनका मतलब थोड़ा बहुत माइंड एजुकेशन की तरफ इन्वॉल्व होता है। तो ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो मुझे अगर मिला तो मैं अमेज़ॉन पे कोशिश करूँगी, लिंक दे दूँगी आपको, जो भी मैंने अमेज़ॉन से लिया है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अदरवाइज़ आपको सारी बुक किसी भी स्टेशनरी से, बुक स्टोर से मिल जाएंगी। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो उनको हेल्प हो जाए। ठीक है, फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।